नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूं मेरठ का सबसे नहीं लेकिन बहुत ज्यादा चर्चित हत्याकांड, जिसने 14 जून सन 2006 को मेरठ को दहला दिया था। थापर नगर गली नंबर 2 में निर्मल शर्मा रहते थे। निर्मल शर्मा यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी सुभारती इंस्टीट्यूट में पूर्व में अकाउंटेंट थे। 9:15 बजे रात को उनके घर में 3 जने एक बाइक से आए और एक हरी रंग की टोयोटा गाड़ी उनके घर में आई और 9:15 बजे करीब अंधाधुंध गोलियां बरसा करके निर्मल शर्मा की हत्या कर दी गई और उस समय ही यह घटना शहर में आग की तरह फैल गई। जो मुझे जानकारी मिली है FIR से, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, और अभी 3 दिन पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से, मैं वही आपसे साझा कर रहा हूं। कौन था गुनाहगार, किसने हत्या की, किसने करवाई, इसका निर्णय अदालत करेगी। 15 तारीख को सवेरे तुहिन विश्नोई, जो निर्मल शर्मा के साले थे रिश्ते में, सप्रदा शर्मा के भाई, उन्होंने थाना सदर बाजार में सूचना दी कि विगत रात्रि 14 जून को उनके बहनोई की हत्या उनके घर के बाहर थापर नगर गली नंबर 2 में कर दी, जिसमें जो लिखाई थी उन्होंने FIR, उसमें कुछ अज्ञात थे और एक नाम था। नाम पे शक जताया गया था और वो नाम था जो बाद में जिनके खिलाफ चार्ज शीट लगाई PBI ने भी, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। निर्मल शर्मा सुभारती विश्वविद्यालय में अकाउंटेंट थे। 1995 में यह यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी और तब उसके डायरेक्टर्स थे श्री अतुल कृष्ण भटनागर और स्वर्गीय हरिओमानंद जी सूत के व्यापारी थे, और जबकि डॉक्टर सर्जरी में MD कर चुके थे। उससे पहले उनका कमल नर्सिंग होम था गढ़ रोड पे, और उसके बाद उन्होंने लोकप्रिय हॉस्पिटल बनाया सम्राट प्लेस में। 1995 में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे डॉक्टर अतुल कृष्ण और हरिओमानंद जी, साथ में कुछ और ट्रस्टी भी थे। इनका बाद में विवाद पड़ा, ये बात 2006 की है, और तब स्वर्गीय हरिओमानंद जी उस ट्रस्ट से अपने आप को अलग कर रहे थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अतुल कृष्ण ने प्रयास किया कि वो इस्तीफा वापस ले लें और समझौता हो जाए, लेकिन मुद्दा इस बात पर अटका था कि ट्रस्ट की संपत्ति के 2 हिस्से हों या 3 हिस्सा हों। हरिओमानंद जी का कहना था कि सारा जो धनराशि इकट्ठी की गई है इस ट्रस्ट को निर्माण में, इस बिल्डिंग से निर्माण में, वो उनके द्वारा एकत्रित की गई थी और उनके संबंधों से ही अधिकांश काम हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, BDS की स्थापना, डेंटल अस्पताल की स्थापना। तो उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि हम और आप दोनों पार्टनर हैं इसमें,
इसलिए आधा आधा हिस्सा बांट किया जाए। लेकिन डॉक्टर अतुल कृष्ण ने ये कहा कि हालांकि उनकी स्वर्गीय पत्नी मुक्ति भटनागर जी का भी एक हिस्सा होगा, क्योंकि जैसा कि स्वर्गीय हरिराम आनंद मुझे बताया, जो उन्होंने मुझको कागज दिए, लेटर्स दिए हैं, उसके आधार पर बता रहा हूँ। हरिवाणा जी ने आपत्ति की कि इसमें दो सिर्फ हिस्सेदार होंगे, वो और डॉक्टर अतुल कृष्ण। अतुल कृष्ण जी का कहना था कि नहीं, इसमें तीन हिस्सेदार होंगे। हालांकि स्वर्गीय मुक्ति जी एक्टिव पार्टनर नहीं थे, लेकिन उनके तीन बहनोई आईएएस अधिकारी थे, और उनका कहना था डॉक्टर साहब का कि वह उन्होंने काफ़ी मदद की है इस संस्था की स्थापना में, इसलिए एक हिस्सा मुक्ति जी का भी होगा। दोनों का विवाद बढ़ा, हरिवाणा जी को निकाल दिया गया, ट्रस्ट से हटा दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की गई, ट्रस्टीज की मीटिंग सॉरी, और उनको वहां से निकाल दिया गया, और उसके साथ उनके सारे कर्मचारी जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जिनको उन्होंने लगाया था, उनको भी वहां से निकाल दिया गया। जब विवाद बढ़ा और एक पत्र दिखाया था हरिवाणा जी ने, मैं सत्यता प्रमाणित नहीं करता, जिस पर लिखा है कि डॉक्टर अतुल के हैंडराइटिंग में ही है वो, कि 5100 करोड़ रुपए तीनों के होंगे, पर जो हरिवाणा जी को दिए नहीं गए, ये बताया हरिवाणा जी ने मरने से पहले मुझे। उन्हीं में उसी वक्त हरिवाणा जी के साथ स्वर्गीय निर्मल शर्मा भी आ गए, उनको भी निकाल दिया गया सुभाटी से, क्योंकि वो करीब माने जाते थे हरिवाणा जी के। फिर हरिवाणा जी ने और निर्मल शर्मा ने संभवतः हरिवाणा जी के कहने पर ही विभिन्न शिकायतें, क्योंकि उनका कहना था कि जमीन में खरीदने में हेराफेरी हुई है, बेमानी से खरीदी गई है। उनका कहना यह भी था कि इनकम टैक्स वालों के साथ धोखाधड़ी की गई है, तो लगातार उन्होंने शिकायतें की, हरिवाणा जी ने भी की और निर्मल शर्मा जी ने भी की। निर्मल शर्मा जी के शिकायतों के आधार पर जैसा माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, छापा पड़ा इनकम टैक्स का सुभाटी में, और उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, भारी दंड से दंडित किया गया। इस समय जैसा सीबीआई ने जांच की है, निर्मल शर्मा को वापस लेने का प्रयास लगातार डॉक्टर अतुल कृष्ण करते रहे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्होंने एक रिट माननीय उच्च न्यायालय में लगाई, और उसमें यही बात थी कि ट्रस्ट बनना इन्होंने कुछ किसी और वक्त बताया है, और ट्रस्ट बना किसी और वक्त था, उसके सारे कागजात उनके पास थे जो निर्मल शर्मा ने मुझे भी दिखाए थे। इस कत्ल से दो दिन पहले ये लिखा है एफआईआर में, तोहिन विश्नोई ने दो आदमी धमकी देने के लिए अतुल जी ने भेजे थे निर्मल शर्मा के पास, या तो वो शिकायत करना बंद कर दे, वरना उसको बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बात एफआईआर में है, मैं सत्यता किसी बात की प्रमाण नहीं कर रहा। अब जब ये कत्ल हो गया, विवेचना हुई इसमें, विवेचना में पुलिस ने बयान दिया, और काफी कुछ आई थी अखबार में, बहुत कई महीने तक चर्चित रहा था। ये भी आरोपित किया गया था कि कुख्यात एक लोगों से संपर्क रहा था लगातार डॉक्टर अतुल जी का, ये पुलिस का कहना था, अखबार में छपा था। इसकी सत्यता मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, जो छपा था वो बता रहा हूं आप लोगों को। इसमें वादी पक्ष जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, जब यहां लगा कि यहां पे असरदार लोग हैं और कुछ उनको शायद न्याय ना मिले, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। 2007 में उन्होंने याचिका दायर की, 2008 में
माननीय उच्च न्यायालय ने इस केस को 2007 और 2008 में दोनों में इस मुकदमे को ट्रांसफर करने की सीबीआई को सुनिश्चित कर दी। इसके बाद ये मुकदमा ट्रांसफर हो गया सीबीआई को और दिल्ली चला गया। सीबीआई ने जांच की और उन्होंने 13 दिसंबर को चार्जशीट लगा दी न्यायालय सीबीआई स्पेशल कोर्ट में गाजियाबाद, जिसके आधार पे तलब कर लिया गया अभियुक्तों, जिसमें डॉक्टर अतुल कृष्ण का नाम भी 120B भारतीय दंड संहिता में 302 के साथ था। उस आदेश के विरुद्ध एक निगरानी ने उच्च न्यायालय में यूजी के डॉक्टर अतुल कृष्ण, जो बाद में 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवर्तित कर दी गई, उस समय उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई और ये 2015 में जस्टिस ओम प्रकाश रविंद के यहां इसकी बहस हुई। वरिष्ठतम अधिवक्ताओं ने इसमें बहस की और माननीय उच्च न्यायालय ने में ये तर्क प्रस्तुत किए गए कि डॉक्टर अतुल कृष्ण का जो नाम आया है वो सिर्फ संदेह में आया है, सह अभियुक्तों के इकबालिया बयान में आया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आया है, जो सीडिया लगाई हैं पुलिस ने उससे कोई अपराध डॉक्टर अतुल के खिलाफ नहीं बनता, जो बयान लिए है पुलिस सीबीआई ने उससे भी डॉक्टर अतुल के खिलाफ 120 भी साबित नहीं होती कि वो इसकी योजना में शामिल थे हत्या की। उधर से सीबीआई की तरफ से तर्क प्रस्तुत किए गए कि ऐसा नहीं, इनके खिलाफ बहुत कानूनी तौर पे बहुत सशक्त साक्ष्य हैं और उन साक्ष्य में यह भी आया था कि इस घटना से 8-10 दिन पहले मृत्यु पूर्व बयान दिया था अपनी पत्नी संप्रदा को निर्मल शर्मा ने और सारी बात बताई थी कि मुझे लगातार धमकी मिल रही है डॉक्टर अतुल कृष्ण की तरफ से, या तो मैं जो उनके खिलाफ मैंने शिकायतें की हैं, मुकदमे किए हैं, हिट की है, उनको वापस ले लूं, अन्यथा वो मेरे हत्या तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे तोहिन विश्वजीत ने बताया कि इस घटना से पहले 2 दिन पहले जहां तोहिन रहते थे रजुन में, वहां पे 2 लोग आए और उन्होंने भी दबाव डाला कि निर्मल शर्मा जो है वो अपना विरोध बंद कर दे डॉक्टर अतुल कृष्ण का, और उसके 2 दिन बाद ही ये हत्या कार्य की गई। उसके अलावा ये भी साक्ष्य आया इसमें सीबीआई जो कहती है, जो ने चार्जशीट में उल्लिखित किया है कि इसमें जो और 2 अभियुक्त थे, एक पिता और पुत्र, उनके एक रिश्तेदार उनके पिता के संबंधी और पुत्र के तत्व, उनका बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि उनके संबंधी और उनका दामाद डॉक्टर अतुल को खरीद फरोख्त में मदद की करते थे, जमीन की लैंड डीलिंग में मदद करते थे और घटना वाले दिन जो उनके संबंधी जो उनकी बेटी थी वो बहुत मोटी रकम घर लेके आई थी। ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट में एक जगह 65,000 रुपये लिखा, एक जगह लाख रुपये लिखा है, तो ये स्पष्ट नहीं है मुझे उस जजमेंट से कि 65 लाख थे या 65,000 थे, लेकिन उनका बयान यही है एक अभियुक्त का जिसका इकबालिया बयान है, उन्होंने कहा कि मेरे समधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई थी कि उन्होंने हत्या की और उसमें डॉक्टर अतुल कृष्ण शामिल थे और साथ में उनकी बेटी वहाँ पैसे लेके आई थी, उसने ये बताया था कि ये जो पैसे हैं ये मुझे मेरे ससुर ने दिए। साथ ही
एक कॉल हुई थी हत्या के तुरंत बाद, जय सीबीआई ने कहा वो एक अभियुक्त की पत्नी ने डॉक्टर अतुलकृष्ण को की थी। ये साक्ष्य सीबीआई लेके आई है, सत्यता इसकी मैं प्रमाणित नहीं करता। और साथ में एक संजय गौतम का बयान हुआ, संजय गौतम ने सारी बात बताई कि किस तरह से स्वर्गीय हरिमानंद जी में और अतुल कृष्ण में मतभेद पैदा हुए, संपत्ति का बंटवारा कैसे होना था, क्यों नहीं हुआ, निर्मल शर्मा के बारे में उन्होंने बयान दिए। और इन तथ्यों के आधार पर कि एक अभियुक्त की पत्नी ने इस हत्या के तुरंत बाद डॉक्टर अतुल को फोन किया और मोटिव के ऊपर और मृत्यु पूर्व बयान के ऊपर सीबीआई ने माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि 120 बी के साक्ष्य नहीं मिला करते, ये कॉन्स्पिरेसी जो होती है अकेले मिलती है, प्रस्तुत जनक साक्ष्यों से धारा 10 एविडेंस एक्ट के अनुसार प्रिजम्पशन की जाती है 120 बी की। और ये जो साक्ष्य आया है ये जरूरी नहीं है मुलजिम को तलब करने के लिए, जरूरी नहीं है कि पूर्णतः स्थापित हो कि मुलजिम ने वो अपराध किया है, बल्कि इतना ही काफी है कि सतही तौर पर लग रहा है कि उस मुलजिम ने यह अपराध किया है। और 120 को उन्होंने डिटेल किया है, उसमें बताया कि 120 में कैसे गवाह नहीं मिलते और प्रसिद्ध जन साक्ष्यों से ही 120 भी बनती है। उसके आधार पर जस्टिस ओम प्रकाश सेवंथ ने डॉक्टर अतुल कृष्ण की याचिका खारिज कर दी, जिसके विरुद्ध डॉक्टर अतुल कृष्ण ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की, जो बाद में एसएलपी क्रिमिनल 10150/2015 के रूप में स्थापित हुई। करीब 7 साल बाद इस सभी विगत 2-3 दिन पहले बहस हुई और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, बैटरी ऑफ लॉयर्स ने डॉक्टर अतुल कृष्ण का पक्ष रखा और साथ में सीबीआई के अधिवक्ताओं ने भी अपना पक्ष रखा। इसमें इस बहस के दौरान ही वरिष्ठ अधिवक्ता जो थे वहां मौजूद, उन्होंने न्यायालय से कहा कि हम अपने एसएलपी क्रिमिनल जिसमें हमने मुकदमे को क्वेश्चन की, प्रार्थना की है, जो सीबीआई ने चार्जशीट दी है उसको हम वापस ले रहे हैं, और सिर्फ क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं बुजुर्ग आदमी है, बीमारी भी है उनको और वो प्रोफेशनली भी काम करना पड़ता है, सर्जन भी हैं, इसलिए उनको एक तो जमानत दे दी जाए और साथ में उनको न्यायालय में व्यक्तिगत तौर से हाजिर होने से मुक्ति दी जाए। माननीय न्यायालय ने ये आदेश कर दिया, उनको जमानत दे दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब तक अनिवार्य ना हो तब तक डॉक्टर अतुल कृष्ण की हाजिरी कोर्ट से माफ कर दी जाए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मुकदमा शुरू किया जाए और कोई भी प्रयास डॉक्टर अतुल कृष्ण से ऐसा ना किया जाए जिससे मुकदमे में विलंब हो। वो लिख के दे अदालत में शपथ पढ़ते हैं, अपने अंडरटेकिंग दे कि वो अपने वकील को सुनिश्चित करेंगे कि बगैर उनके मौजूद के कई गवाहों के प्राण और कोई एडजॉर्मेंट काम करने लिया जाए। तो अभी ये 16 साल बाद करीब ये मुकदमा अब शुरू होगा, जिसमें जो वादी की शायद मृत्यु हो चुकी है जैसा लगता है अभिलेखों से। 16 साल बाद अभी तक शुरू कार्रवाई नहीं हुई है, अब वो शुरू होगा, देखिए कब ये मुकदमा तय होता है, कब किसी अपराधी का गुनाह तय होता है या कब किसी अपराधी किसी अभियुक्त को न्यायालय बेगुनाह साबित करता है। और ये आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ मुकदमे पहले सेशन में चलते हैं, कोई पक्ष उसके बाद हाईकोर्ट जा सकता है और हाईकोर्ट समानता इलाहाबाद हाईकोर्ट में जहां तक मुझे व्यक्तिगत जानकारी है अभी भी 1986 के मुकदमे विचाराधीन है, 87 के मुकदमे विचाराधीन है, करीब करीब 35 साल पुराने, जल्दी भी हो रहे हैं।
प्रयास किया जा रहा है, जजिस की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन उसके बाद ब्रेकअप होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो 15 साल तो मुकदमा शुरू नहीं हुए हैं, देखिए कब मिलता है निर्मल शर्मा के घर वालों को न्याय, कब मिस्ट्री ऑफ द मर्डर ऑफ निर्मल शर्मा सॉल्व होती है। धन्यवाद। मैं ऐसे ही कुछ केसेस जो मेरठ और आसपास घटित हुए उनके बारे में आपको समय समय में जानकारी दूंगा, जो FIR में लिखा है, बेलखो में लिखा है, जजमेंट में हुआ है, मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी किस मामले की नहीं होती और ना होनी चाहिए। रविंद्र भूरा का कचहरी मर्डर हुआ, 4 आदमी मारे गए। मेरे पिछले 47 साल में करीब 9 हत्याकांड विवश हत्याकांड कचहरी में हुए हैं। सबसे पहले वेदपाल थे बामलोली का, उनकी हत्या हुई थी, उसमें शायद अभियुक्त जो मौके पकड़े गए थे 12 बुक वो भी छूट गए थे। उसके बाद भी कही हत्या हुई, योगिंदर लाला की हत्या हुई वहाँ पर इंदाले कचहरी में, कस्टडी में मर्डर हुए हैं, सुंदर त्यागी का हुआ है, नितिन गंजे का हुआ, और भी कई मर्डर हुए हैं, 8 का तो मुझे ध्यान है, लेकिन 3 हत्याएं जो हुई हैं, एक तो 4 उस लोग मरे हैं वो तब हुई हैं जब मुलजिम कस्टडी में थे, उनको पूर्णतः सुरक्षित किया गया था। जो अभिलेख हैं उसके आधार पे मैं आपको बताता रहूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको जानकारी देता रहूंगा कि कानून क्या कहता है। फौजदारी का कानून दीवानी का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं चर्चा करूंगा बहुत ज़्यादा चर्चित धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के, जिसमें लोगों के संपत्ति जो उनके गिरोहबंद या समाजवादी विरोध क्रियाकलाप से अर्जित की गई हो उसको कैसे जब्त किया जाता है और उनको छुड़ाने के लिए क्या क्या तथ्य और सत्य प्रस्तुत करते हैं न्यायालय में। धन्यवाद।